तो आज की वीडियो में एक बहुत ज़बरदस्त डिवाइस के बारे में यहाँ पे जो बात करेंगे दोस्तों, इस डिवाइस के बारे में, और ये जो डिवाइस है आपके वर्कशॉप में और जो आपके घर में भी काम आएगा। इससे मतलब ये डिवाइस का खासियत ये है कि दोस्तों, ये डिवाइस है मतलब आपके तार के अंदर करंट आ रहा है कि नहीं उसको बता देता है। ये सिर्फ जो है आपको मेन करंट को जो बताता है मतलब, और जो न्यूट्रल होता है उसको नहीं बताता, ये जो है फेस को बताता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं इसका किस तरीके से हम यूज ले सकते हैं और बड़ी आसानी से घर में किसी भी जगह पर तार टूट गया, कट गया या फिर जल गया, अंदर से हमको पता नहीं चल रहा फॉल्ट कहाँ पर है, या फिर जो अपने वर्कशॉप में है यहाँ पर किसी मोटर में करंट आ रहा है कि नहीं। सबसे ज़्यादा अपने वर्कशॉप में भी अधिकतर यहाँ पर यूज आएगा कि मान लीजिए तीन फेस का यहाँ जो अपना कनेक्शन है, किसी फेस में लाइट आ रही कि नहीं, इसको भी हम इससे बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, मोटर का भी अपन किसी भी जगह पे जो है वहां पे मेन जो करंट होता है फेस का, वो आ रहा कि नहीं इसको अपन इससे चेक कर सकते हैं। वहां पे बिना काटे छिले बस बहुत मतलब एक सेकेंड में अपन चेक कर सकते हैं वहां पर करंट आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, आपको ये प्रोडक्ट और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, जानकारी अगर अच्छा लगता है, तो आपको नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है जाएंगे तो आपको वहां एक लिंक मिलेगा, आप जाकर वहां से इसको अमेजन से बाय कर सकते हैं, इसको जो मैं अमेजन से खरीदा हूं दोस्तों। इसका रेट दोस्तों मेरे को अमेजन पे जो 200 रुपये पड़ा था और इसका रेट करीबन 10-20 जो ऊपर नीचे होते रहता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है सेल आने वाला, आपको यहाँ पे जो हो सकता है कि 200 से बहुत ही कम नीचे रेट में करीबन यहाँ पे 160-170 में जो है ये आपको मिल जाएगा इसके साथ। तो चलिए मैं आपको इसको फिट करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके का पैक जो है आपको मिलेगा अमेजन से आने के बाद से, और इसको अपने को यहाँ पे जो दो बैटरी देखने को मिलेगी और ये टेस्टर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस तरीके से जो ये आप यहाँ पे केबल में चेक कर सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आप करंट को जो पॉजिटिव होता है, जो करंट में फेस होता है उसको ये बताता है, ये न्यूट्रल यहाँ पे नहीं बताता है। पर अपन इसको भी इस वीडियो में देखेंगे कैसे न्यूट्रल को अपन चेक कर सकते हैं। इसके साथ आपको यहाँ पे जो इस सामने में यहाँ पे टार्ज देखने को मिलेगा, यहाँ पे दो बैटरी मिलेगी और इसके पीछे में कुछ हाईलाइट्स दिया हुआ है। तो चलिए अपन इसको इस तरीके से यहाँ पे इसको खींच के इसको खोल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दो बैटरी मिलेगी और ये जो है टेस्टर अपना मिलेगा। तो ये जो है यहाँ पे इस तरीके से ऊपर की तरफ यहाँ पे स्लाइड करने से ये खुलता है। ये देखिए इस तरीके से खुलेगा, ये प्लस ये माइनस दिखा रहा है। तो बैटरी को इस तरीके से अपने को यहाँ पे लगा देना है, ये प्लस ये माइनस है, ये ऊपर प्लस हो गया। अब इसको अपने को इस तरीके से यहाँ पे जो है फिट कर देना है, यहाँ पे अपने को ये जो सेंसर मिलता है, यहाँ पे एक लाइट मिलता है, ये लाइट आप देख पा रहे होंगे जो इमरजेंसी में यहाँ पे अपने को काम करेगा, अंधेरे में काम करता है, कुछ खास रोशनी नहीं है, बस यहाँ पे अंधेरे में थोड़ा सा आप यहाँ पे हेल्प मिल जाएगा। तो चलिए इसका यूज मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो है ये देखिए ये स्विच मिल रहा हो, तो मैं स्विच में इसमें जो है करंट चालू है, मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ठीक है। बंद करने के बाद से आप देखिए इस टेस्टर को मैं यहाँ पे जो है इस तरीके से रखता हूँ तो यहाँ पे कुछ आवाज़ नहीं आ रहा, ठीक है, ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ नहीं आवाज़ आ रहा है। पर जैसे ही मैं यहाँ पे देखिए इसको मैं यहाँ पे लगा के छोड़ देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लगा के छोड़ दिया दोस्तों। अभी देखिए मैं जैसे ही यहाँ पे स्विच को चालू करूँगा यहाँ पे बिप बिप आवाज़ आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे टच करते हैं तो यहाँ पे जो बीप यहाँ पे इस तरीके से इंडिकेट करेगा, यहाँ पे लाइट जलेगा और आवाज़ करेगा, और दूर हटा लूँगा तो नहीं होगा, मतलब ये काम बिल्कुल यहाँ पे टच करने पे करता है, ये नहीं कि कहीं थोड़ा दूर में रखें ये काम नहीं काम करा और यहाँ पे आवाज़ करने लग गया, इसको बिल्कुल यहाँ पे टच करेंगे तभी यहाँ पे जो काम करता है। तो इसका खासियत दोस्तों, आप जो करंट यहाँ जो तार में करंट होता है आप इससे चेक कर सकते हैं, अगर तार मान लीजिए कहीं बीच में कटा है या फिर इसमें जो करंट नहीं आ रहा तो यहाँ पर ये बंद हो जाएगा और इस तार में नहीं जलेगा, अगर करंट यहाँ पर जा रहा है तो ये जो जलेगा। देखिए इसके लिए मैं चलिए आपको एक ठो तार लेता हूँ, वहाँ पर बीच से मैं काट दूंगा और उसको टेप से जोड़ दूंगा, फिर आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। तो इससे पहले दोस्तों मैं चलिए आपको इसमें दिखाता हूँ मोटर को आपने यहाँ पे किस तरीके से यूज कर सकता है। ये बहुत ही कम जो ये दोस्तों बहुत ही काम का चीज़ है आपके दुकान के लिए, घर के लिए, वर्कशॉप के लिए। अभी देखिए दोस्तों, मैं अपने लेथ मशीन दिखा रहा हूँ दोस्तों, अक्सर मशीन में होता है कि कई बार स्टार्टर में दिक्कत आता है और यहाँ चालू ये नहीं होता, ठीक दोस्तों। देखिए अक्सर यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि स्टार्टर में जो करंट तो आ रहा होता है पर मशीन अपना चालू नहीं होता है, तो अपने को यहाँ पे तार का फॉल्ट देखना रहता है कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए क्या होता है, अपने को इसको खोलना पड़ेगा, फिर टेस्टर से अपन यहाँ पे चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो दोस्तों इस तार में करंट है, इस वाले में करंट है, इसमें जो है करंट नहीं है, ठीक है। ये कवर इसलिए नहीं जल रहा है। अभी देखिए ये तीनों जो फेस है, देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं जल रहा है, यहाँ पे नहीं जल रहा है और यहाँ पे नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा दोस्तों, क्योंकि इसमें भी करंट नहीं है। मैं इसको चालू करता हूँ, उसके बाद से आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं ये जो है मशीन में चालू किया, ठीक है, मशीन चालू करने के बाद से अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर करंट देखने को मिलेगा। ये देखिए इसमें भी मिलेगा, इसमें भी करंट मिलेगा और यहाँ पर भी करंट आ रहा है दोस्तों। मतलब अपने स्टार्टर जो है, देखिए मैं स्टार्टर को यहाँ पे बंद कर दिया, तो मतलब ये तो पता चले यहाँ से करंट आ रहा है इसमें जो डब्बे में आ रहा है,
पर यहाँ से इधर जो सप्लाई नहीं दे रहा है। इसमें इसलिए नहीं बज रहा है क्योंकि ये पूरा कवर इसलिए नहीं बज रहा है, ये थोड़ा एकदम करीबन 1 mm के आसपास जाने के बाद से जो सेंस करता है। साथ दोस्तों आप यहाँ पे मशीन में अगर आपके करंट आ रहा है तो भी डिटेक्ट कर लेगा अगर फेस आ रहा है तो। इसके साथ दोस्तों आप यहाँ मोटर में भी आप इसको डिटेक्ट करवा के देख सकते हैं करंट आ रहा है कि नहीं। दोस्तों मेरे हाथ में यहाँ पे जो है एक सिंगल लेंथ का जो यहाँ पे एक वायर है, देखिए ठीक है। अभी इसको मैं अगर इसमें यहाँ पे करंट लगाऊंगा तो ये बताएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको जो यहाँ से 20 से मैं काट देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं चाहे इसको यहाँ पे से काट देता हूँ, ठीक है यहाँ से, ठीक ये इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ पहले। ये देखिए इसको मैं यहाँ से काट दिया, अब इसको यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको टेप से जोड़ दूंगा। ये अपना एक वायर है, मैं इसको जोड़ देता हूँ यहाँ टेप से। यहाँ पे टेप में यहाँ पे एक सिरे में इसको डाल देता हूँ इस तरीके से, यहाँ दूसरे सिरे पे ये इसको यहाँ पे लगा दिया मैं, ठीक है। अपन इसको क्या किया यहाँ पे कवर कर दी, ठीक। अब ये जो मान लीजिए आप ये कि अपना जो ये वायर है, देखिए ये वायर यहाँ से यहाँ तक के सेम एक कलर का वायर है, ठीक है, पर ये बीच में यहाँ पे टूटा हुआ है, तो ये जो है टेस्टर इसको भी डिटेक्ट कर लेगा। तो चलिए अपन एक बार चेक करके देखते हैं यहाँ पे इसको डिटेक्ट करता है या नहीं। जब अपन इसको जैसे मान लीजिए यहाँ पे करंट है, ये करंट यहाँ पे टच करने से बीप करता है, पर यहाँ पे कट गया वायर, यहाँ पे डिटेक्ट करता है कि नहीं, इसको अपन चल के यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये पहला सही वाला वायर है, मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे मैं इसको लगा दिया। तो देखिए दोस्तों ये सही वाला वायर है और इसमें जो है पूरा करंट है, तो ये जो है इसको डिटेक्ट कर रहा है। ये देखिए पूरा यहाँ से, यहाँ तक ये डिटेक्ट किया, ठीक है। अगर मान लीजिए यही वायर बीच से कटा होगा तो ये डिटेक्ट करेगा कि नहीं, या फिर यहाँ पे बीच पे कटा है और इसको पूरा करंट बता रहा है बाजू के तार में, भले इधर करंट है कि नहीं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, अपना दूसरा वायर लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये अपना ये वाला वायर है जिसको अपन बीच से काट देते हैं, मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये वाले वायर में देखिए मैं क्या किया हूँ, इस वायर को बीच से यहाँ पे काट दिया हूँ, ठीक है, टेप की मदद से जोड़ दिया हूँ। इसमें इस वायर में जो यहाँ तक करंट आ रहा है और यहाँ से जो है इधर आगे सप्लाई नहीं है, तो अब इसको देखते हैं ये ऐसा कहीं धोखा थोड़ी दे रहा है कि मतलब इसमें एक करंट की वजह से ये पूरा यहाँ पे बता रहा है, नहीं तो इसमें दिक्कत हो जाएगा। तो इसको अपन चेक करने के लिए कि क्या किए हैं यहाँ पे जो है इस वायर को बीच से काट दिए हैं। अब देखिए ये अपना टेस्टर है, यहाँ पे करंट जो है डिटेक्ट किया, ठीक है, देख पा रहे, ये देखिए यहाँ पे बंद हो गया। अब यहाँ पे कहीं पे जो है ये नहीं बताएगा करंट, बिल्कुल नहीं बताएगा, मतलब ये जो अपना टेस्टर जो बिल्कुल सही काम कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये कटा है यहाँ पे, बिल्कुल सेंटर में काटे थे और बिल्कुल जब जस्ट उसके 1 mm के आसपास पहुंचेगा तो यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा, मतलब अपना वायर जो है यहाँ से खराब है। अब अपन अपने वायर को यहाँ से काट सकते हैं, काट के, या फिर यहाँ से इतना में जल रहा है तो थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से काट सकते हैं अपने वायर को, और यहाँ से थोड़ा सा काट के बीच के एरिया को अपन यहाँ पे जो सही कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का चीज़ है दोस्तों, आपको मेरे हिसाब से इसको लेना चाहिए अगर आपको आपके घर में वायरिंग और लाइट का जो भी दिक्कत होगा, ये बहुत ही ज़्यादा आसान कर देगा। वहाँ पर करंट का जो शॉक होता, जो करंट होता है दोस्तों, उससे भी अपने को यहाँ सेफ्टी देता है दोस्तों ये जो डिवाइस है, बहुत ही बढ़िया डिवाइस है दोस्तों। आपके घर में, वर्कशॉप में, दुकान में ये हर जगह होना चाहिए, बिना किसी वजह के, मतलब बिना कहीं पे भी तार को काटे छीले, मतलब वहां पे जो भी रिस्क होता है बिना रिस्क लिए अपन चेक कर सकते हैं कि वायर में जो है करंट आ रहा है कि नहीं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये डिवाइस आपको कैसा लगा दोस्तों, इसको भी मेरे को जरूर बताइएगा दोस्तों। पर मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, ये जो डिवाइस आपके घर में होना चाहिए, आपके वर्कशॉप में होना चाहिए, इससे ये होता है कि दोस्तों आपको जो तार में करंट अगर चेक करना है अपने को, तो वहां पर खोल के टेस्टर से अपन को जो खोल चेक करने का जो पूरे बोर्ड को, मान लीजिए वायरिंग में है बोर्ड को खोलना हो गया, या फिर मोटर को हो गया, वायर को कहीं भ्रष्ट हो गया, उसको चेक करने में बड़ी आसानी होगी और भ्रष्ट वायर को भी बड़ी आसानी से आप इससे चेक कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इसको खरीदना है तो जाइए, मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर आप वहाँ से अमेजन पे खरीद सकते हैं इसको, करीबन आपको 150-200 के अंदर अंदर ही मिल जाएगा। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और एक अगली वीडियो में।